ओम शांति। आज 26 जुलाई 2024 है और आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को बाप समान परफेक्ट बनने का लक्ष्य दिया है। बाबा ने हम बच्चों को बाबा की शिक्षाओं को अमल में लाने का मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सुख शांति का सागर बनने के लिए कहा है। ऐसे ही बाप को फॉलो करने के, बाप समान बनने के पॉइंट्स बाबा रोज़ हमें मुरली में बताते हैं। आज अव्यक्त इशारों में भी बाबा हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने की एक विशेष बात याद दिला रहे हैं। सुनते हैं आज की बाबा की पॉइंट आज के अव्यक्त इशारों से। जो स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या है, अखंड दानी है, वही परोपकारी है। जैसे बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया। पहले बच्चे, नाम बच्चे का, काम अपना, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया, नाम में भी परोपकारी बने, ऐसे फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने हर एक चीज़ को सर्वस्व समर्पण किया, खुद विश्व पिता बने, प्रजा पिता बने, सारे यज्ञ का बीज शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा ही डलवाया, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने आप को ट्रस्टी, सेवक समझा। शुरू में हम सब जानते हैं कैसे बाबा ने 8 बहनों की कमेटी बनाकर उन्हें अपना चल अचल सब कुछ सौंप दिया। बाबा हमेशा जब भी किसी वीआईपी को कुछ भी लेटर लिखते थे, कोई ईश्वरीय संदेश देते थे, कोई भी कारोबार करते थे, करते सब बाबा थे, लेकिन नाम नीचे लिखते थे जगदम्बा सरस्वती। मम्मा को हमेशा आगे रखा, मम्मा के काम नाम से सब काम कराया। अव्यक्त होकर के भी जो बाबा का नाम निकला है देश विदेश में, उसमें ब्रह्मा कुमारियों को सब जानते हैं, ब्रह्मा को नहीं। अभी तक भी बाबा गुप्त है। इतना ज़्यादा सब कुछ करने के बाद भी अगर त्याग का कोई सैंपल देखना है सारे संसार में, तो वो ब्रह्मा बाबा हैं। यहाँ तक कि अपने समय का भी त्याग किया। सेवा के अतिरिक्त बाबा पूरा समय अपने पुरुषार्थ में लगाते थे। बच्चे कहते भी थे कि बाबा आप तो सारा दिन शिव बाबा की ही सेवा में हैं, आप तो सारा दिन आप समर्पित ही हैं बाबा की सेवा में। तो फिर बाबा कहते थे नहीं, ये मेरे अपने पुरुषार्थ का समय है, मुझे अपनी हड्डियाँ भी लगानी है। रात का समय भी बाबा ने पुरुषार्थ में और सेवा में दिया। तो अपनी हर एक स्थूल और सूक्ष्म चीज़ का त्याग किया, उसे सेवा में लगाया, लेकिन किसी भी चीज़ का बाबा ने रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं किया, नाम की इच्छा नहीं रखी। ऐसे त्यागी बन करके ही हम परोपकारी, और परोपकारी बनने से सबके दिलों पर राज करके विश्व महाराजन बन सकते हैं। ओम शांति।